महेश बाबू तेलुगु इंडस्ट्री के वन ऑफ द हैंडसम चॉकलेटी बॉय उर्फ टैलेंटेड एक्टरों में से भी एक है, जो कि भाई तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाते हैं। महेश बाबू की आने वाली है काफी बड़ी बड़ी फिल्में जिनका बजट 500 करोड़ भी होने वाला है। अब महेश बाबू की कौन कौन सी फिल्में आ रही है उन सबको जानने के लिए आप घर बार की तरह एक छोटा सा ही काम करना होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए आए तो। दोस्तों बात करेंगे महेश बाबू की फर्स्ट फिल्म जो होने वाली है गुंटर कारम। गुंटर कारम एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस को डायरेक्शन दे रहे हैं त्रि विक्रम श्रीनिवास, जो कि आला वेकुंठा पुरमालू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके हैं अल्लू अर्जुन के साथ। तो इस फिल्म के लीड रोल में आपको महेश बाबू, श्री लीला जगपति बाबू और काफी दिनों बाद हमें लेजेंड ब्रह्मानंद भी दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर। जिस फिल्म की शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, सॉन्ग आ रहे हैं, ट्रेलर भी जल्द आने वाला है। इस फिल्म को लगभग 200 करोड़ के बजट में बनाया गया, जो कि हारिका एंड हसीन क्रिएशन के बैनर तले बनाई गई है। जिस फिल्म को रिलीज किया जाना 13 जनवरी 2024 को, जो कि तेलुगु के साथ तमिल और हिंदी में भी आने वाली है, क्योंकि भाई इसके बाद उनकी सारी फिल्में पैन इंडिया आएंगी, जिस वजह से इस फिल्म को भी हिंदी में रिलीज किया। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है SSMB 29। SSMB 29 एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे SS राजा मौली, जो कि बाहुबली जैसी फिल्में और हाल फिलहाल में ही RR जैसी फिल्म बना चुके हैं। तो ये फिल्म भी एक काफी बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल में आपको महेश बाबू नजर आएंगे, जो कि एक बिग बजट माइथोलॉजी फिल्म होने वाली है, जहां पर आपको इस फिल्म के भी मल्टीपल पार्ट दिखाई देने वाले हैं, लाइक बाहुबली। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली की तरह इस फिल्म को भी दो पार्टों में ही बनाया जाना, शायद ये तीन पार्ट भी हो सकते हैं। इस फिल्म का बजट रखा गया है 500 करोड़। जिस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2024 में स्टार्ट होनी है, तो आप समझ सकते हो फिल्म काफी बड़ी है, तो शूटिंग 2024 में स्टार्ट होगी और इस फिल्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो 2025 में रिलीज किया जाएगा, जिस फिल्म को पैन वर्ल्ड रिलीज किया जाएगा, ना कि पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड। लगभग 8 से 10 भाषाओं में रिलीज होगी ये फिल्म सिनेमा घरों में। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका। बात करेंगे नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली एक अनटाइटल एक्शन डार्क क्राइम थ्रिलर फिल्म, जिस फिल्म को आप डेविल नाम भी दे सकते हो, क्योंकि इस फिल्म को जो डायरेक्शन देने वाले हैं वो संदीप रेड्डी वांगा ही देंगे, जो कि कबीर सिंह और हाल फिलहाल में एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके हैं। तो इस फिल्म के लीड रोल में आपको महेश बाबू नजर आएंगे और इस फिल्म से पहले संदीप रेड्डी वांगा और महेश बाबू एक प्रोजेक्ट साथ में करने वाले थे, जो कि एनिमल फिल्म से पहले ही आ रहा था, लेकिन डेट ना मिल पाने की वजह से वो प्रोजेक्ट थोड़ा डिले। No, that's a different thing. That's a little different characterization that I told to Mahesh sir. Okay. So that's a different film. That's a different story. लेकिन हाल फिलहाल में एनिमल की शूटिंग के दौरान संदीप रेड्डी वांगा ने एक फ्रेश और डार्क क्राइम से भरी हुई स्क्रिप्ट सुनाई, वो भी महेश बाबू को पसंद आ गई पूरी तरीके से। तो इस फिल्म की पूरी तरीके से वो हां कर चुके हैं, लेकिन फिल्म के लिए थोड़ा सा डिले हो जाएगा, क्योंकि इस फिल्म को SSMB 29 के बाद ही बनाया जाएगा, तो इस फिल्म को आने में भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। जिस फिल्म की स्क्रिप्ट तो पूरी तरीके से कंप्लीट है, बस शूटिंग ही डिले हो पाएगी, तो ये फिल्म आपको 2025 के लास्ट में ही फ्लोर पर आती हुई नजर आएगी, यानी कि फिल्म को 2026 में रिलीज किया। और खास बात यह है कि यह फिल्म भी पैन इंडिया ही आने वाली है। जी हां दोस्तों, पैन इंडिया ही। तो यही थी महेश बाबू की आने वाली 3-4 फिल्में। 3-4 क्यों बोला, क्योंकि भाई एक फिल्म के अंदर ही 2-3 पार्ट आ रहे हैं SSMB 29, जिस वजह से ये 4-5 फिल्में ही बैठ पा रही हैं। हालांकि 3 फिल्में बैठी हैं वैसे तो, इनमें से कौन सी फिल्म का है आपको इंतजार कमेंट में बताएं। हालांकि मुझे तो सबसे ज्यादा SSMB 29 का है, अपना भी कमेंट कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको भी किसी फिल्मी हीरो डायरेक्टर की फिल्म नहीं चाहिए तो कमेंट कर देना, आपके लिए भी हाजिर हो जाऊंगा, आपके लिए एक नई वीडियो लेके। दोस्तों जब तक